हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने नॉर्मल से वीडियो को कुछ इस टाइम में 4K में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। और गाइस, इसको बनाना बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको थोड़ा मोड़ा एडिटिंग करना है और आपका भी वीडियो 4K में बनकर तैयार हो जाएगी। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दो एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो इंट्रो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन की तरफ। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए। तो सबसे पहले कैपकट ऐप को चलाने के लिए हमको VPN कनेक्ट करना पड़ेगा, तो हम अपने VPN को कनेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद गाइस, अपने कैपकट ऐप को ओपन कर लेते हैं। और कैपकट ऐप को ओपन करने के बाद अपना वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी वीडियो आपको एडिटिंग करनी है। तो हम वीडियो को इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पर हम अपने वीडियो को इम्पोर्ट कर लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके ये जो लास्ट पार्ट आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है, इसको आपको डिलीट कर लेना है। एंड गाइस, आप लोग वीडियो देख लो, ये देखो, ठीक है ना। तो इसको हमको HDR में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इफेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एंड इफेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेने के बाद फिर आपको बॉडी इफेक्ट पे क्लिक कर लेना है। देन गाइस, बॉडी इफेक्ट पे क्लिक कर लेने के बाद आपको लेंस वाला ऑप्शन पे आना है। एंड लेंस वाला ऑप्शन पे आ जाने के बाद यहाँ पर आपको ब्लर सेलेक्ट कर लेना है, ब्लर वाला इफेक्ट। एंड सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको राइट क्लिक कर लेना है, ठीक है। एंड ब्लर सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और आपको एडजस्ट ऑल ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड एडजस्ट ऑल ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है आपको, और यहाँ पर एक ग्राफ्स वाला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, तो ग्राफ्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन ये वाला जो लाइन है नीचे वाला, इसको ऊपर कर लेना है, और ऊपर वाला जो लाइन है इसको नीचे कर लेना है। सभी कलर में ऐसे ही करना है, ऊपर इसको नीचे। तो कर लेने के बाद आपको फिर बैक आ जाना है और फिर राइट क्लिक कर लेना है, ठीक है। एंड इतना ऑप्शन कर लेने के बाद इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, इसको हाई कर लेंगे सभी को और एक्सपोर्ट कर लेंगे। देन एक्सपोर्ट कर लेने के बाद डन कर लेंगे। जो वीडियो हमारा जो नॉर्मल वीडियो था उसको फिर से हमको सेलेक्ट कर लेना है, ऐड कर लेना है, ठीक है। तो उसको हम ला देते हैं। तो गाइस, हमारी जो नॉर्मल वीडियो थी आ गई है, और ये ब्लैक पार्ट को हम डिलीट कर लेते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर ओवरले दिख रहा है आपको, ओवरले पे क्लिक करना है। फिर ऐड ऑल ऑप्शन पे क्लिक करके जो अभी वीडियो हम एक्सपोर्ट किए थे वही वीडियो को ऐड करना है। तो यहाँ पर ऐड कर लिए हैं, और ऐड करने के बाद इसको कुछ स्टेप से पूरा फिट स्क्रीन कर लेना है जूम कर, ठीक है ना। एंड फिर इतना ऑप्शन करने के बाद फिर आपको यहाँ पर स्प्लाइस वाला एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो स्प्लाइस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, और सबसे लास्ट में आ जाना है आपको। यहाँ पर आपको एक बर्न वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, तो बर्न वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसके अमाउंट को कम कर लेना आपको, 63 के अराउंड कर लेते हैं। फिर आपको राइट क्लिक कर लेना है, ठीक है ना। और राइट क्लिक कर लेने के बाद अब हमको क्या करना है, इसमें एक वाइट बैकग्राउंड ऐड करना है, तो उसको भी हम ऐड कर लेते हैं। ऐड ओवरले पे क्लिक करेंगे, लाइब्रेरी पे क्लिक करके बैकग्राउंड में जाएंगे, और यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड दिख रहा है आपको, तो इसको ऐड कर लेना है। देन ऐड कर लेने के बाद इसको भी फुल स्क्रीन कर लेना है आपको, ठीक है ना। एंड स्क्रीन कर लेने के बाद फिर से आपको स्प्लाइस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसको ओवरले कर लेना है, ठीक है। एंड ओवरले कर लेने के बाद आपको पूरा 100% इसको रखना है, और फिर राइट क्लिक करना है, और फिर इस वाला वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, लेयर के ऊपर, ठीक है। स्प्लाइस पे आना है और इसको कम कर लेना है, ठीक है। इसको कर लेते हैं हम लोग करीब 46 के राउंड। एंड इतना कर लेने के बाद फिर आपको राइट क्लिक कर लेना है और फिर बैक आ जाना है। देन गाइस, यहाँ पर अभी तो हमारा वीडियो थोड़ा 4K में हुआ है, अब इसमें थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, कलर ग्रेडिंग करेंगे, इसके बाद हमारी वीडियो तैयार हो जाएगी। तो वीडियो के ऊपर क्लिक करना है आपको, लेयर के ऊपर, और आपको आ जाना है एडजस्ट वाला ऑप्शन पे। यहाँ पर ब्राइटनेस वाला ऑप्शन पे आना है, ब्राइटनेस को थोड़ा सा आपको बढ़ा लेनी है, कॉन्ट्रास्ट को आपको थोड़ी सी बढ़ा लेनी है, और जो ब्रिलियंस दिख रहा है ब्रिलियंस को आपको कम कर लेना है -6 के अराउंड, और शार्पिंग जो है शार्पिंग को पूरा फुल कर लेना है आपको, ठीक है ना। एंड फुल कर लेने के बाद आपको फिर क्या करना है, टेम्परेचर वाला ऑप्शन पे आकर टेम्परेचर को भी बढ़ा लेना है, एंड हाईलाइट को कम कर लेना है आपको, एंड फिर राइट क्लिक कर लेना है। तो गाइस, यहाँ पर हमारा जो वीडियो है HDR में कन्वर्ट हो गई है, देखो। आपको एक बार नॉर्मल वीडियो ला कर दिखा दे रहे हैं, ये तो गाइस ये हमारा नॉर्मल वीडियो था, और ये देखो एडिटिंग कर रहा हुआ वीडियो, ये हमारा नॉर्मल और ये एडिटिंग कर रहा हुआ वीडियो। तो यहाँ पर HDR में हमारा कन्वर्ट हो गया है वीडियो।
अब इसको गैलरी में हाई क्वालिटी में सेव करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। इसको सेटिंग जान लो आप लोग। इसको 4K में फ्रेम रेट को 60 करना है, कोड रेट को हाई कर लेना है और इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना एंड चैनल पर पहली बार हो तो गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अगर गाइस इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करे हो तो इंस्टाग्राम का आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, तो फॉलो जरूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।